अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरियाद रीसन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। सैलाब ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर अपनी लपेट में ले लिया है। इस दफ़ा आने वाली बारिशें, जिनके बारे में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने बड़े लेवल पर तबाही मचाएंगी, इसका नतीजा ये निकला कि सिंध के इस वक्त 20 से ज़्यादा हिस्सा इस बारिश का निशाना बन चुके हैं, इस सैलाब की तबाही का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो सड़कों पर और कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, जो कि अपने घर बार और अपना हर मताए हयात छोड़कर या सड़क पर बैठे हुए हैं या कहीं ज़मीन पर लेटे हुए हैं किसी कैंप के अंदर, और खाने पीने और पहनने की बेसिक अशिया से भी बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। ऐसे में मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ वर्क्स हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। हमने आपको पहले एक प्रोग्राम दिखाया जिसमें हमने आपको दिखाया कि कितने लोग हैं जिनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि वो लोग जो कि इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इनको कैसे खाना पहुँचाया जा रहा है और इनको किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी का एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसमें मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन इलाकों में जहां पर रिलीफ नहीं पहुंच सकता, जहां पर खाना पीना नहीं पहुंच सकता, वहां पर सैलाब की इस वक्त नौयत क्या है। हम आपको एरियल व्यू भी दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे सैलाब ने कितनी तबाही मचाई, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ जहाँ पर खाना पहुँच ही नहीं सकता, इस वक्त कैसे खाना पहुँचाया जा रहा है। मगर साथ ही साथ एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारी बातों पे नुक्ताचीनी करते हैं, मगर उठिए और इस वक्त कोई काम कीजिए, बिकॉज द पीपल नीड यू। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप पाकिस्तानियों को ही आगे बढ़ के उनकी मदद करनी है। स्टे विद अस इन दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑफ न्यूज़ बीट। हम लोग आपको लेके चलेंगे सजावल की तरफ, और वहाँ से फिर हम रिलीफ बोट उठा के जुदो के इलाके में जाएंगे जहाँ पर सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। काफ़ी अंदर तक सैलाब आ चुका है, जैसा मैंने आपको बताया 20 से ज़्यादा हिस्सा इस वक्त इफेक्टेड हो चुकी है, और अगर एक जिले की आप एवरेज औसतन निकालें आबादी 1.5 से 2 लाख अफराद की, तो उससे तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ अफराद है जो कि बेघर है या कि इस सैलाब से परेशान है। इन तमाम अफराद के ऊपर आपको एक नज़र करवाएंगे। चुके हैं, आपने देखा वो जो हमारे पीछे हेलीकॉप्टर है उसके अंदर हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर फिर सारे रिलीफ के गुड्स जो है वो उसके अंदर लोड किए गए हैं। अब मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पे हेली ड्रॉप किया जाएगा इस खाने को। अंदर मैं साथ जाऊँगी इनकी और आपको दिखाऊँगी कि किस किस इलाके में हम लोग जा रहे हैं। जब हम आ रहे थे तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पानी हर तरफ आ चुका है। ये उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पर आप सड़क के ज़रिए नहीं जा सकते, सड़कें भी टूट गई हैं, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते भी ख़राब हैं, पहुँचने में बहुत देर भी लगती है, और लोगों को खाना देना ज़रूरी है। तो अभी हम इस हेलीकॉप्टर में चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि क्या खाना दिया जा रहा है और किस तरीके से दिया जा रहा है। जल्दी से यहाँ पर इनके जो ऑफिसर हैं जो इस को रेस्क्यू मिशन को एक इंचार्ज हैं, उनसे पूछ लेते हैं आप लोग इस वक्त किन किन इलाकों में खाना पहुँचा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इस वक्त तो जुड्डो में मौजूद हैं, और यहाँ पर जुड्डो सिटी और इसके जो एडजेसेंट विलेजेज़ हैं उन सब में राशन पहुंचा रहे हैं। उन जगहों पे वैसे खाना नहीं पहुंच सकता? नहीं, उन जगहों पे वैसे नहीं पहुंच सकता क्योंकि रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है, कच्चा रास्ता भी अवेलेबल नहीं है, तो हम बोट्स, ओवरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको ये ड्राई राशन पहुंचा रहे हैं। जो राशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये पाकिस्तान नेवी अपने तौर पर जनरेट कर रही है, और उसके अलावा कुछ डोनर्स की असिस्टेंस से भी ये हो रहा है। हम डोनर्स की ऑन साइट जाके पिक कर लेते हैं राशन और रिलीफ गुड्स, और वो यहाँ पे ले आते हैं। अगर जो लोग हमें अक्सर पूछते हैं फ़ोन करके या डोनेट करना चाहते हैं तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी एग्जैक्टली, हमारा कराची में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश है बाकायदा, जहाँ पे डोनेशन दिए जा सकते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन हमारा जिम्मा है। थैंक यू वेरी मच, हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सामान लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ड्रॉप करें, ये हम जाते हैं कि इन लोगों का क्या क्या जाने को, आप कहाँ कहाँ पे ड्रॉप करें?
जैसे कि देख रही हैं कि हम ये मीरपुर खास के इलाके जिलों में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। अभी अभी हमें एक खबर मिली है कि इसी इलाके में जुडू के इलाके में एक स्ट्रैंडेड पर्सन है अपनी फैमिली के साथ जो कि डूब रहा है। अभी वापसी पर हमने उसे पिक करना है, हम जाते हुए उसे विंच के ज़रिए पिकअप करेंगे। और ये इससे पहले हम ये जो यहाँ का मुझेका इलाका है उसमें ये रिलीफ गुड्स आपके सामने एरियल ड्रॉप कर रहे होंगे। हम आपकी बात करवाते हैं इस वक्त कैप्टन के साथ, नेवी के अगर ट्रुप्स हैं उनको हमने नेवल एविएशन ने तमाम पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सुबह से शहरी में आए हुए हैं, इट्स अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम कराची और इधर हर तरफ पानी है, तो हम जो लोग फंसे हुए हैं उनको राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमने आपको खाना ड्रॉप करते हुए दिखाया, अब हमें पता चला है, खबर मिली है एक शख्स है जो कि एक आइलैंड में फंसा हुआ है, हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो। बाजावड़ का रहने वाला हूँ, इधर लकड़ी का प्रोग्राम कर, इधर लकड़ी का काम करते हैं। अंदर अंदर क्या कर रहे थे? इधर हमारी भट्टी, इधर हमारी लकड़ी का कारोबार है, भट्टी डूब गई है हमारी, बहुत गरीब लोग हैं, काफी दूर से इधर आए हुए हैं काम करने के लिए। अंदर कोई और भी है जी? हाँ, बाकी आ गए थे, मैं उधर काम करने के लिए रोक गया था, काम रह गया। हमने देखा कि किस तरीके से नेवी के अधिकारियों ने इस शख्स को अभी पानी से निकाला है। रेस्क्यू का ये मिशन जारी है, लोगों को रिलीफ देने का ये मिशन जारी है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो आपको हमने खुद अपने कैमरे की आंख से दिखा दी है कि जितनी भी आप इमदाद दे सकें वो कम है। लोग इस वक्त तकलीफ में है, उनको मदद करना ज़रूरी है और जहाँ भी छोटी सी मदद हो सकती है वो ज़रूर उनकी की जाए। यहाँ पर नेवी के जितने ऑपरेशंस हैं जिसमें रेस्क्यू और रिलीफ शामिल है उसके इंचार्ज में साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो अभी आप लोग किन किन एक्टिविटीज़ में मुलाविस हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये जुड्डो का इलाका है, यहाँ हम रेस्क्यू कर चुके हैं और अब रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी हैं। उस रिलीफ एक्टिविटीज़ में हम इनको ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा कंबल वगैरह हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, दो हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं और वो इनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो तमाम ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं, जो आप ही राशन दे रहे हैं, हम लोग ने भी ऊपर जाकर देखा जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये आ कहाँ से रहा? ये कुछ तो नेवी अपने पास से जनरेट कर रही है और कुछ हमारे साथ डोनर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। उन डोनर्स से हम कराची में ही सामान कलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं और यहाँ आके उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। अभी आप लोगों को हमने देख लिया एरियल, आप लोग किस तरीके से खाना ड्रॉप कर रहे हैं, अभी आप पानी के थ्रू भी ड्रॉप कर रहे हैं खाना? जी बिल्कुल, पानी के थ्रू भी कर रहे हैं, एयर से भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ रोड एक्सेस है तो रोड के थ्रू भी कर रहे हैं। हर तरीके से जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमने आपको दिखा दिया हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरा टूर कराया, अब हम जरा जाते हैं और देखते हैं ये पानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। अभी इस वक्त फिर दोबारा देख लीजिए, मेरे दोनों तरफ ही पानी मौजूद है और यही सूरत हाल है जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ पर मैंने इसी तरीके से पानी देखा है और काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। लाखों का करोड़ों का नुकसान है ये पाकिस्तान का और इसके बारे में जागना ज़रूरी है, इसके बारे में आगाही ज़रूरी है और बेसिक मदद तो हम करें मगर साथ ही साथ ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हुआ है। एक दोबारा चैलेंज का सामना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए प्रेशर डालना है हमने हुकूमत के ऊपर कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, हर साल ऐसे आके रोड पर हमारे लोग ना खड़े हो जाएँ, मगर इस साल तबाही आ चुकी है तो उसके रिलीफ का काम मेरा आपका हम सबका है। अब हमने जैसे आपको बताया कि आगे जो इलाके जहाँ पर राशन पहुँचाना है ये राशन की बोरियाँ हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या क्या है।
जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है। इसमें बॉटल्स हैं, पानी की, खाने पीने की अशियाँ हैं, बिस्किट्स की चीज़ें हैं, बिस्किट्स के डब्बे हैं, कैंस हैं, और पीछे आगे आप ये देखिए नीचे पानी की बॉटल्स भी हैं जो क्या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है। और होवरक्राफ्ट में मैं सब मौजूद हूँ। ये मैं इत्तेफाक है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने नेवी का एक शो किया था जिसमें हमने होवरक्राफ्ट के यूज़ के बारे में आपको बताया था, और फौरन जैसे अल्लाह की तरफ से एक ज़रूरत पड़ गई होवरक्राफ्ट की। और इस सारे ऑपरेशन में ना सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए बल्कि होवरक्राफ्ट के ज़रिए और बोट्स के ज़रिए लोगों की मदद करने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ पर लोगों से भी पूछती हूँ कि जो लोग तैनात हैं कितने दिनों से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कब से शुरू किया हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन? ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमें एक महीना हो गया यहाँ पे, और जैसे ही मतलब बारिशें स्टार्ट हुई थी हम मतलब उसी वक्त यहाँ पे स्टैंड बाई हो गए थे, और जितने हमारे एसेट्स हैं वो लेके हम मतलब इन केस ऑफ एनी एक्चुअल इमरजेंसी मतलब हम फौरन रिएक्ट करके और मतलब लोगों को इवैक्यूएट कर सकें। हमें बताया गया कि इसके नीचे ये तो पानी मैं समझ रही थी कोई दरिया है, ये दरिया नहीं है, इसके नीचे लोगों की ज़मीनें हैं और उसके ऊपर फसलें काश्त हुई हुई थी जिसके ऊपर ये सारा इलाका पानी आ चुका है। जो हमें बताया कि कमांडिंग ऑफिसर ने कि तकरीबन 5-6 गांव हैं इस सराउंडिंग एरिया में, वो गाँव अब ख़त्म हो चुके हैं, और जो लोग हैं वो क्या तो किसी इलाके में जैसे हमने ऊपर से आपको दिखाया जहाँ छोटे छोटे खुश्की के टुकड़े हैं वहाँ पर रह रहे हैं या शायद किसी कैंप में चले गए हैं। तो ये काफ़ी अरसा लगेगा इस तमाम इलाके को वापस नॉर्मल होने में। अच्छा, और तुम लोग सब औरतें हो यहाँ पर, किस तरीके से रह रहे हो? ना यहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम है, ना तुम लोग का घर सही है, तुम लोग को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ना कुछ जाम है बहन, जाम तकलीफ है। मेरा तो न को कमाई वाला न को धंधे वाला, मैं एक ही हूँ। अकेली आई हो? अकेली, वे भाई गड्ढा, वो भाई दे बच्चे नुन बस। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? आपके साथ कोई है? कुछ भी नहीं, सकूँ क्या सकूँ नहीं। हाँ। किधर जाऊँ, किधर आऊँ, किधर बनू, माल ब्याह सब डूब गया, भाई ता मर गया लिया बेचारे था, सब वो देखो उठ पे ना की तो दसाएं बकरियाँ अन्न बेचारे दिया वही मर गया लिया दाद मटता है और सद दो भाई आओ बंदे आओ सानू कुछ दो, अब भाई कुछ नहीं आसानू मिलना आसान दो। तो यहाँ से निकल के जा नहीं सकते हो किसी ऐसी जगह? कैंप में क्यों नहीं चले जाते? नहीं जागा ही नहीं, जागा ही नहीं, कितू मटो कैंप में कोई जगह नहीं है? ना ना आवन दी को नहीं, इतना इतना पानी है, घर है न वो घर है जो मन हल्या वेंदा अंदर घर अंदर। मैं गई थी कैंप में, वाकई वहाँ पे इतना इतना पानी है, उस कैंप में ये लोग किधर जाए? हम वो कह रहे हैं हम इधर ही है, इंतजार करते हैं ऊपर से कोई खाना दे जाए या इस तरीके से अंधारा दा ऐसे तरह। मैं क्या भाई को आके फौजी को तरह के अम्मी तो हल सबूत आते सब कुछ मिल सी, मैं क्या मैं आके पीछे तो रात दा क्या खास है, मैं क्या अल्लाह दे बस आके सबूत आते सब कुछ मिल सी। इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। मुझे बताएं कब भागी कैसे घर से जब पानी आया, तो क्या घर बिल्कुल तबाह हो गया? बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी हो रुका, सिर चा बच्चे चा भाग के हूँ, बच्चे सब रोड पे घर दिलाया घर से सफा ही थी गए ना वो था ठिकर जगके खट्टा जग के सारी शय विच गई है लिए अंदर सब कुछ उसके अंदर चला ना। हाँ कुछ भी बहन को नहीं, कुछ भी नहीं निकलना, काम छह नहीं ऐसा ना उठाई सारा रुआ सिर जाते बच्चे जा चकत विजय भाने से उठे बैठा से उठे भूख में। अब बस इंतजार करते हो, तुम लोग कहीं नहीं जाते हो खाना वाना लेने के लिए? ऐसा क्या कर ये कह रहे हैं टेंट भी इन लोगों ने वो नजर आ ही रहे हैं कि खुद ही से करके बनाए हुए। मैं आपको जरा इनके घर का एक राउंड लगा के दिखाती हूँ कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर।